दोस्तों आईपीएल के इतिहास में अभी तक बहुत सारे रोमांचक मुकाबले खेले गए हैं और आज के इस एपिसोड में हम कवर कर रहे हैं एक ऐसे मुकाबले को जहां पर 4 गेंदों में 10 रन चाहिए था लास्ट ओवर में और स्ट्राइक पर थे जॉस बटलर। तो दोस्तों आगे की जानकारी विस्तार से पाने के लिए इस वीडियो को देखते रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक, बहुत ही मजेदार यह स्टोरी होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हो आईपीएल के फैन तो फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग स्टोरीज और अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले समय में आपको सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी आईपीएल 2018 में और यह मुकाबला जो है वो आईपीएल इतिहास के रोमांचक मुकाबलों में से एक गिना जाता है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाया। इस स्कोर कार्ड में सीएसके की टीम की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर थे सुरेश रैना जिन्होंने की 52 रन बनाए और साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी और शेन वाटसन का अच्छा कंट्रीब्यूशन था। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को 20 ओवर में 177 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था और इस बार राजस्थान रॉयल्स के मेंटर्स ने कुछ नया किया और ओपनिंग करने के लिए जॉस बटलर और बेन स्टोक्स को भेजा। हालांकि राजस्थान रॉयल्स का यह रणनीति काम नहीं आया और बेन स्टोक्स जल्द ही अपना विकेट गवा बैठे और ऐसे में सारी जिम्मेदारी आ गई जॉस बटलर के कंधों के ऊपर और दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते ही जा रहा था और लक्ष्य जो था वो काफी बड़ा था, 177 रनों का लक्ष्य था। ऐसे में जॉस बटलर ने मोर्चा संभाला और राजस्थान रॉयल्स की टीम को घीच तीर करके स्कोर को आगे बढ़ाते रहे और लास्ट के 8 गेंदों में राजस्थान रॉयल्स की टीम को 18 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे कृष्णप्पा गौतम। उस साल कृष्णप्पा गौतम राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे और 8 गेंदों में 18 रन चाहिए था, यहाँ पर कृष्णप्पा गौतम ने एक छक्का लगा दिया। तो दोस्तों ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम के पक्ष में थोड़ा सा मैच झुक गया क्योंकि कृष्णप्पा गौतम ने छक्का लगा दिया। अब राजस्थान रॉयल्स को 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी, अनफॉर्चुनेटली कृष्णप्पा गौतम आउट हो गए और लास्ट ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम को 12 रनों की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर थे इनके स्टार बल्लेबाज जॉस बटलर जो कि 50 लगा करके खेल रहे थे, लगभग 83 के स्कोर पर थे उस टाइम। उसके बाद 12 रनों चाहिए थे 6 गेंदों में और ओवर करने आए थे ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो की पहली गेंद पर जॉस बटलर कोई भी रन बनाने में सक्षम नहीं रहे और पहला गेंद डॉट हो गया। अब इस तरीके से 5 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी राजस्थान रॉयल्स की टीम को। दूसरी गेंद पर ड्वेन ब्रावो की दूसरी गेंद पर जॉस बटलर ने डबल लिया और अब 4 गेंदों में 10 रन चाहिए था राजस्थान रॉयल्स की टीम को। उसके बाद जॉस बटलर ने तीसरी गेंद पर एक डबल लिया, इस तरीके से 3 गेंदों में अब 8 रन चाहिए था राजस्थान रॉयल्स की टीम को। और दोस्तों यहां से क्लियर लग रहा था कि अब कम से कम एक बाउंड्री तो आना ही चाहिए, उसके बाद ही आरआर की टीम यह मुकाबले को जीत सकती थी और ठीक वैसा ही हुआ। मैच की सेकेंड थर्ड लास्ट गेंद पर जॉस बटलर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर एक लंबा छक्का लगा और पूरा दर्शक जो है वो झूम उठे और इस तरीके से अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को लास्ट के 2 गेंदों में जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे और जॉस बटलर ने उस ओवर की लास्ट गेंद पर सेकेंड लास्ट गेंद पर डबल लिया और इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस थ्रिलर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हरा दिया और यह आईपीएल इतिहास का एक रोमांचक मुकाबला में दर्ज हो गया। और राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से जॉस बटलर ने 95 रनों की विस्फोटक पारी गली 60 गेंदों का सामना किया, उन्होंने 10 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए थे। और दोस्तों इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सीएसके को इस थ्रिलर मुकाबले में हरा दिया और जॉस बटलर को इस मैच में मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। हालांकि अनफॉर्चुनेटली जॉस बटलर अपना शतक बनाने से चूक गए, वह सिर्फ 95 रन ही बना सके और वह अंत तक नॉट आउट रहे और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सीएसके जैसी मजबूत टीम को जॉस बटलर के बल्ले के बदौलत हरा दिया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह एपिसोड आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें और अगर आप किसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।